नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, कुंभ राशि के जातकों का आज हम आपको दूसरे भाग में बताने के लिए जा रहे हैं, जिसको हमने दो तीन पार्ट में विभक्त कर दिया है। शारीरिक सुख, स्वास्थ्य, घर परिवार व संतान आदि को लेकर के कुछ हम आपको जानकारी देंगे। व्यापार व्यवसाय में आपका समय किस प्रकार से रहेगा, तो इसको अलग अलग तरीके से हम देंगे। सबसे पहले समझें, शारीरिक स्वास्थ्य व सुख आपको किस प्रकार का मिलने के लिए जा रहा है। इस वर्ष जो है आपका शारीरिक स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। किसी प्रकार की कोई भी आपको बीमारियाँ हो सकती हैं, यदि जो पुरानी बीमारी यदि चली आ रही थी तो उन पर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 11 मई से 29 सितंबर के मध्य जो है शनि बकरी होकर के हो जाएंगे, तो इस कालखंड में आपको शारीरिक सावधानियां आपको बरतना चाहिए। इस समय किसी प्रकार की कोई भी आपको बड़ी बीमारी घेर सकती है, अतः शारीरिक मामले में आपको जो है लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। इस समय आपका जो है शल्य चिकित्सा आदि आपकी हो सकती है, आपका ऑपरेशन आदि होने की संभावना आपकी बनी हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। समय समय पर अपना चेकअप आदि आप लोग आपको कराते रहना चाहिए। आपको जो बड़ी बीमारियां हैं, जैसे हार्ट डिसीज़ है, मधुमेह है, या उक्त रक्तचाप है या निम्न रक्तचाप है, इन सब बीमारियों से यदि आप पहले से ग्रसित हैं तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता आपके लिए पड़ेगी। डेली रूटीन चेकअप आप कराते रहें। बाहर यदि आप यात्राओं में जाते हैं तो खान पान पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। योगा आदि आप यदि करते रहेंगे तो यह वर्ष आपके लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा, अन्यथा थोड़ी सी परेशानियां स्वास्थ्य को लेकर के दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य के संबंधित आपको परेशानियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य पर विशेष रूप से आप ध्यान रखें। घर में माता पिता या किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य खराब होने की संभावना दिखाई दे रही है, उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। व्यापार व्यवसाय आपका इस प्रकार इस वर्ष किस प्रकार से जाने वाला है। कुंभ राशि वालों का व्यापार व्यवसाय तो इस साल उत्तम रहेगा, लेकिन उसमें कहीं कभी कभार थोड़ी बहुत परेशानियां आपको आने वाली हैं, क्योंकि शनि का 7.5 का जो प्रभाव है वो आपके व्यापार पर भी देखने के लिए पड़ेगा। लाभ के अवसर थोड़े से आपको कम प्राप्त दिखाई देंगे। इस समय आपके लिए थोड़ा सा आपके व्यापार व्यवसाय में मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगी, और जितनी मेहनत करेंगे उतना फल आपको प्राप्त नहीं होगा। रुपयों पैसों को लेकर के या लेन देन को लेकर के थोड़ी सी आपको सावधानी बरतना चाहिए। व्यापार को लेकर के आपको थोड़ा सा कहीं से उधार लेना पड़ सकता है, ऋण की स्थिति दिखाई दे रही है, तो आप कहीं से ऋण आदि ले सकते हैं। यदि आप किसी मशीनरी आदि का काम कर रहे हैं तो मशीनरी आदि बार बार बिगड़ने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसमें आपका अनर्थ जो है पैसा फिजूल खर्चा होने वाला है। फिजूल खर्चे आपके बढ़ेंगे, आपके खर्चे आपकी आय जितनी होगी उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा आपके खर्चे सामने से खड़े रहेंगे। कर्मचारी वर्ग आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। भागीदारी बारे पार्टनर से आपकी थोड़ी सी कहा सुनी हो सकती है, कर्मचारी वर्ग पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। पैतृक संपत्ति आदि का विवाद यदि आपका चल रहा था तो उसमें आपको उतनी सफलता नहीं मिल पाएगी जितनी सफलता की आप उम्मीद कर रहे थे, तो पैतृक संपत्ति से लेकर के भी आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जहां तक चल अचल संपत्ति या मकान वाहन आदि खरीदने की बात है तो उसमें आपके लिए जो है निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होने वाली है। यदि आप मकान खरीदने वाले हैं, फ्लैट या कोई संपत्ति खरीदने वाले हैं, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन चूंकि शनि का 7.5 का प्रभाव आपके राशि पर रहेगा इसलिए आपके लिए कहीं ना कहीं निश्चित रूप से लोन इत्यादि आपको लेना पड़ेगा, जिसके कारण थोड़ी सी परेशानी आपको पैदा हो सकती हो सकता है लोन लेने में आपको थोड़ी सी कठिनाई आदि हो। घर परिवार व संतान के मामले में आप किस प्रकार से रहेंगे, हालांकि यह वर्ष आपके लिए 7.5 शनि का प्रभाव तो जरूर रखेगा, लेकिन सबसे बड़ा
प्लस पॉइंट आपके जीवन में यह रहेगा कि आपका परिवार, आपके यार रिश्तेदार जो है वो आपके समक्ष आपकी समस्त परेशानियों के मध्य आपके बीच में खड़े रहेंगे। 11 मई से 29 सितंबर तक के मध्य जो है शनि वक्रत्व रहेंगे। इस समय परिवार में थोड़ी सी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, पति पत्नी में थोड़े से मतभेद पैदा हो सकते हैं, बच्चों से थोड़ी सी अनबन हो सकती है, बड़े बुजुर्गों से थोड़ी सी कहासुनी हो सकती है, नाते रिश्तेदारों से किसी प्रकार के मतभेद उभर कर के सामने आ सकते हैं। तो ये समय थोड़ा सा आपके लिए संभलने का समय है। संतान के भविष्य को लेकर के इस समय आप थोड़े से चिंतित रहेंगे, उनके एडमिशन को लेकर के, उनके करियर को लेकर के आपको चिंता बनी रहेगी। यदि आपके घर में संतान जो है शादी के योग है तो शादी की आपको चिंता रहेगी, लेकिन इस साल शादी के योग बन रहे हैं। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी हो जाएगी, या आपके परिवार में बच्चे या बच्चियां शादी के योग हैं तो उनकी शादी के योग इस वर्ष दिखाई दे रहे हैं। तो इस वर्ष शादी के योग बन सकते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा प्रबल योग दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन धन हानि के योग आपकी राशि पर स्पष्टता दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, दूसरे भाग में आज हमने आपको कुछ बिंदुओं पर चर्चा की। आशा है कुंभ राशि वाले जातकों को यह वीडियो पसंद आया होगा। और मित्रों, यदि आपको वीडियो हमारे पसंद आते हैं, हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी प्रकार अपना स्नेह व प्यार बनाए रखें। माँ गायत्री की असीम कृपा आप लोगों के जीवन पर सदैव बनी रहे। आपका वर्ष मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, यही माँ गायत्री से सदैव हम प्रार्थना करते हैं। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।